हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12th। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन नाइन काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज, एंड आफ्टर इट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, एंड इन दैट लेक्चर वी हैव ऑल्सो कवर्ड हेनरी लॉ। ओके, नाउ what were the Henry laws? Partial pressure is directly proportional to solubility. If it means if we increase the pressure, solubility increases, and we have covered all the concept related Henry's law. Now in this lecture we will start from vapor pressure. What is vapor pressure? Partial pressure exerted by any vapor or gas on the surface of liquid or solution विच इज़ वॉलाटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी इस चीज़ को हम लोग पूरा समझेंगे। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे किसी एक कंटेनर में कई गैसेज हमने मिक्स करके रख दी, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें हीलियम भी है, ठीक है ना। तीन चार गैसेज हमने उसमें डाल दी। तो सारे के सारे जो गैसेज होंगे वो बंद कंटेनर है, हमारे पास क्लोज कंटेनर है, उसके वॉल पे वो गैसेज क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करने की वजह से हीट करेंगे उस पर। तो वॉल पे जो मोमेंट ऑफ गैसेस की वजह से जो प्रेशर लगेगा वहाँ पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, वो उसका अगर इंडिविजुअल का बात करें तो पार्शियल प्रेशर होता है, और अगर टोटल का बात करें तो वो टोटल प्रेशर होता है। ओके, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जैसे चारों गैसेज में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है ना, किसी वॉल पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर लगेगा। जैसे आप इस तरीके से समझिए, एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज है। इसको 3D में सोचिए आप लोग, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, या कोई आप गैस ले लीजिए, हीलियम भी है। तो नाइट्रोजन अपना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, ऑक्सीजन अपना कुछ प्रेशर चारों तरफ लगा रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपना प्रेशर लगा रही होगी, और हीलियम अपना प्रेशर लगा रही होगी। इन सारे के प्रेशर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। लेकिन अगर सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और अगर ऑक्सीजन की सिर्फ बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इंडिविजुअल अपना जितना प्रेशर ये लगा रहा है, ऑक्सीजन अलग से, हाइड्रोजन अलग से, नाइट्रोजन अलग से, ये सारे जो इंडिविजुअल गैसेज अपना प्रेशर लगाते हैं किसी कंटेनर पे या किसी भी सिस्टम में जहाँ पे इसको रखा गया है, उसको इसका प्रेशर कहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो गैसेज बाहर आ जाएंगी, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, आप मेज़र नहीं कर सकते, मतलब उसका यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। मेज़र क्यों नहीं किया जा सकता, सबका प्रेशर मेज़र किया जा सकता है। अगर कोई ओपन कंटेनर है तो उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है ना, जो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उस रीजन में, वही उस पर भी लगेगा, उसकी सब सारी वॉल पे यहाँ पे। ओके, चलिए। तो पार्शियल प्रेशर आप लोग समझ गए। तो पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई एनी वेपर, किसी भी वेपर या किसी भी गैस के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगता है, हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, कहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया है, ठीक है ना, इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है ना, अब इसको हमने हीट किया तो यहाँ से वेपर उड़ाए, यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब इसी का जब काफ़ी इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे वेपर्स, तो खुद किस कुछ प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड पे, जो इस लिक्विड पे प्रेशर लगेगा इंडिविजुअल गैस का, उसी को क्या कहते हैं उनका, ठीक है ना। देखिए, पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज़ वॉलाटाइल इन नेचर, जो कि लिक्विड कैसा था, वॉलाटाइल था, आपको हीट भी करने की जरूरत नहीं थी। मान लीजिए आप हीट नहीं भी कर रहे हैं, वॉलाटाइल लिक्विड का क्या मतलब, वो अपने आप उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में। अब यहाँ पे आ गया तो ये बाहर नहीं जा सकता क्योंकि क्लोज है, लेकिन ये वॉलाटाइल होने की वजह से बहुत सारे इसके वेपर निकलेंगे और यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करने लगेंगे, वो प्रेशर लगाने लगेंगे। इस रीजन पे हमको वाल पे नहीं देखना है, ठीक है ना, हमको कहाँ प्रेशर देखना है कि जो लिक्विड पे लगा रहे हैं, ये लिक्विड का सरफेस यहाँ कहीं होगा, जितनी लिक्विड भरी होगी उसका ऊपर वाला पार्ट उसका सरफेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाएगा उसी को उसका क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ लिखा ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कब आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई लिक्विड है ना, अब ये वेपर बन रहा है, एक बना, फिर दो बना, तीन बना, चार बना, पांच बना,
छः बना, बनता ही जा रहा है ना, काफ़ी सारे बन गए। इतना बनते बनते इतना बन जाए, बहुत सारे बन जाए, कि अब जो है नया कोई बन नहीं रहा है गैस वेपर, ठीक है ना, वहाँ रुक जाए, ठीक है ना, दिखने में लगे कि हाँ रुक गया है। लेकिन इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल फिर उड़ेंगे वेपर फेज में, है ना, उतने ही जो वेपर्स होंगे वो कंडेंस होके वाटर बन जाएंगे। मतलब जितना इवेपरेशन हो रहा है उतना ही लिक्विफिकेशन हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके चलिए, इसको आप लोग 11th में अच्छे से पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप लोग समझ गए, ऐसा पार्शियल प्रेशर जो कि किसी वेपर के द्वारा लगाया जा रहा है या गैस के द्वारा, कहाँ पे, सरफेस ऑफ लिक्विड पर, ठीक है ना, ठीक है ना, और सॉल्यूशन, या लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो कोई भी, उसके सरफेस पे जो लग रहा है, जो कि वोलेटाइल इन नेचर है, वो लिक्विड ही खुद वोलेटाइल है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा पार्शियल प्रेशर जो कि खुद का ही लिक्विड है, वेपर फॉर्म में जा रहा है और वो प्रेशर लगा रहा है, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में हम लोग क्या देखेंगे अच्छा, वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे पेट्रोल हो गया, ये आप जानते हैं खुद ही वोलेटाइल है नेचर में। डीजल क्या है, वोलेटाइल है, इसका गैस आसानी से वेपर बनता है। वाटर भी वोलेटाइल होता है। इथेनॉल भी क्या है, वोलेटाइल है। ये सारे के सारे लिक्विड क्या है, वोलेटाइल। तो जब भी हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ऐसे ही लिक्विड को लेंगे जो कि वोलेटाइल इन नेचर हो। ओके, अब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर देखते हैं। देखिए, एक कंटेनर है, उसमें कुछ लिक्विड हो, ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है, मैंने बस उसके मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा दिया, ठीक है ना, ये लिक्विड है। अब लिक्विड से क्या बनेगा, अगर वोलेटाइल है तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, बहुत सारे गैसेस बन जाएंगे, है ना, या वेपर बनेगा, इसको वेपर बोलिए या गैस बोलिए एक ही बात है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, ये लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, गैस में भी होता है लेकिन बहुत वीक, उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। लिक्विड के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी की वजह से तो बंधे हुए हैं, नहीं तो छोड़ करके वो वेपर फेज में चले जाते हैं। अगर ये लिक्विड के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो वो क्या होते हैं, इवेपरेट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इवेपरेट हो जाते हैं, पूरे के पूरे इवेपरेट हो जाते हैं। लिक्विड के फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ही कम्प्लीटली क्या नहीं हो पाता है, वेपराइज नहीं हो पाता है। अच्छा, तो वेपराइज क्यों होता है, देखिए, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, उस पर सिर्फ नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो यहाँ के मॉलिक्यूल हैं उनको चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो ये छोड़ के नहीं जाएगा, 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 कहाँ का मॉलिक्यूल जाएगा, जो लिक्विड के सरफेस पे एकदम होता है वही छोड़ करके कहाँ जाता है, वेपर फेज में जाता है, ठीक है ना, उसी को एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है ना। 11th में एक कॉन्सेप्ट आया होगा एक्टिव मास का, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय उसको पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वहाँ पर वो एक्टिव मास होता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के, हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। आप ऐसा देखे होंगे कि बाल्टी में पानी है तो उसको सूखने में काफ़ी समय लगता है ना, लेकिन अगर उसी पानी को आप फर्श में अगर गिरा दें तो वो जल्दी वेपरेट हो जाता है। इवेपरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम पे वो डिपेंड नहीं करता है। जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे सरफेस एरिया, वो उतना ही आसानी से क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है। बस समझ में आ रही। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑन सरफेस कौन लगा रहा है, ये जो सारे वेपर गए हैं वो वाटर के सरफेस पे, यहाँ देखिए कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना, सब प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, ये क्या है, हमने लिक्विड कैसा लिया है, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया है, जैसे डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, मिथेनॉल, जो भी है, जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वोलेटाइल है। ओके, हम जानते हैं मोर द टेम्परेचर मोर द काइनेटिक एनर्जी। अगर इसका वेपर बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको टेम्परेचर दे दें तो और जल्दी ये वेपर बनने लगेगा। मान लीजिए कि इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में कुछ टाइम लग रहा था, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या दे दें, टेम्परेचर दे दें, तो ये बहुत जल्दी जल्दी वेपर बना लेगा, है ना, टाइम कम लगेगा, फाइनली इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगा। कोई भी सिस्टम होगा, है ना, वो इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाता है। कोई भी आप रिएक्शन करा लीजिए, है ना, जैसे आप H2 और N2 ले लीजिए, तो ये हम जानते हैं क्या देता है, क्या देता है, NH3 देता है, है ना। तो शुरू में मान लीजिए 100 ml इसको लिया था, 100 ml इसको लिया था, है ना, दोनों को 100 100 ml लिया था, तो शुरू में इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होता है,
ठीक है ना, क्योंकि इधर रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रोडक्ट शुरू में स्टार्टिंग टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका प्रोडक्ट साइड में कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है ना, लेकिन पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, इस समय बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया शुरू में 100 ml में से बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, धीरे होती है ना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन धीरे होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 10 ml रिएक्ट करके दोनों का 10-10 ml कुछ यहाँ पे बनाया अमोनिया, लेकिन जब 10 ml इधर अमोनिया भी हो गया ना, तो अमोनिया भी क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, कुछ समय बाद ये क्या होने लगेगा, बैकवर्ड जाने लगेगा। ओके, तो अभी इधर मान लीजिए 10 ml बना था, इधर 90 ml बचा है ना, फिर भी इस 10 वाले से तेज रहेगा, आगे की तरफ ज़्यादा बनेगा और पीछे की तरफ कम बनेगा, ओवरऑल हमको रिएक्शन किधर शिफ्ट दिखेगी, प्रोडक्ट की तरफ। ओके, लेकिन एक कंडीशन ऐसे ही आएगी कि दोनों के बीच में इस तरीके का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि जितने ml पर सेकंड ये बना रहा है, उतने ही ml पर सेकंड ये NH3 टूट करके H2+N2 दे रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ, ये इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि आप, कई बच्चे ये सोचें कि 50 ml ये रिएक्ट कर लेगा, 50 ml ये रिएक्ट कर लेगा और हम लोग का इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, 50 ml ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। हर सब्सटेंस का अपना इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर दो रिएक्टेंट का जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहा है उसका इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है। देखिए, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हमने टेम्परेचर दे दिया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मान लीजिए 70 ml बनना था अमोनिया इन दोनों को रिएक्ट करके, तब इक्विलिब्रियम आता, तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो 80 ml तक बन जाए, है ना, प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि जिधर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं वो उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारे लीच एटलियर प्रिंसिपल हम लोग लीच एटलियर प्रिंसिपल जो है 11th में पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ रही? तो टेम्परेचर का, प्रेशर का, है ना, और ठीक है ना, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, इक्विलिब्रियम हम कभी इस पे नहीं कहते हैं कि इधर हमने 100 ml लिया था, इधर 10 ml लिया था तो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, आप इधर कुछ ना लीजिए, जीरो लीजिए, लेकिन इक्विलिब्रियम इन दो सब्सटेंस का रिएक्ट करके जो बनना है उसका एक फिक्स होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डेटा ये आता है हर एक रिएक्टेंट का, जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स अस CO2, अगर ऐसा कुछ है, वैसे यहाँ तो कंबशन रिएक्शन है, ये क्या नहीं होती है, बैकवर्ड नहीं जाती है, कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसका कुछ फिक्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ओके, चलिए तो क्या होगा अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें इस कंडीशन में, आप लोग इस कंडीशन को समझ चुके हैं, लिक्विड है, वेपराइज हो सकता है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये वोलेटाइल इन नेचर है जो कि वेपर बनाता है, और यहाँ पे उसके सरफेस पे कुछ प्रेशर लगता होगा, ये कंडीशन आप लोग दिमाग में रखते चलिए, तब आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। ओके, टेम्परेचर, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस, ऑन लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस, मतलब अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ा दें, यहाँ बंसन बर्नर से धीरे धीरे हीट करने लगें तो जो वेपर है वो ज़्यादा बनेंगे, अब ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिक्विड सरफेस की बात कर रहे हैं हम, इस वाल पर बात नहीं कर रहे हैं, लिक्विड सरफेस पर, इस सरफेस पर, यहाँ पर। ओके, चलिए, सेकंड क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन वेपर प्रेशर का, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर का सेकंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड मान लीजिए कि किस नेचर का है, उसका वॉलेटाइल होने का नेचर ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा वेपर बनाता है या कम बनाता है, अगर मोर वॉलेटाइल होगा तो ज़्यादा इसके वेपर्स बनेंगे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, है ना, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीक, देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, कहने का मतलब यही है, अगर हमने मोर वॉलेटाइल बोल दिया, इसका क्या मतलब है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक रहा होगा इस लिक्विड का जो हम ले रहे हैं, अगर इन दोनों बीच, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वो छोड़ छोड़ के वेपर फेज में जाने लगेंगे, है ना, अब ज़्यादा जाएंगे वेपर प्रेशर में, क्योंकि वेपर फेज में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वीक होने का मतलब ये क्या है कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। ओके, तो नेचर ऑफ लिक्विड कैसा होना चाहिए, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीक, देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा कम होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ओके, जैसे कि ईथर, इथेनॉल, ईथर और इथेनॉल में हम देखेंगे तो ईथर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है,
ईथर के एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं ना इस लिक्विड में, बहुत सारे होंगे, तो कई ईथर के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ठीक है ना, मोल्स में होते हैं वो, मान लीजिए 10 मोल लिया, 20 मोल लिया, 5 मोल लिया, तो इनके जो खुद के मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड हैं उनका CH3 और CH3 कैसा होता है ईथर, ऐसे समझिए, हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे से। ईथर ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना सकता है, तो एक साइड इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक साइड इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कीटोन, एस्टर, ये सब कुछ हम लोग को अल्कोहल पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अच्छे से वहाँ पे ये सारी चीज़ें टर्म आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, 11th में भी आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए तो ईथर का जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो दो ईथर के कंपाउंड के बीच में जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा, और इथेनॉल के केस में क्या होता है, वही स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा क्यों है कि इथेनॉल में ज़्यादा लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ईथर में कम हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि उसका भी रीज़न जान लीजिए। मान लीजिए ईथर है तो कुछ ऐसा होगा, 3 हाइड्रोजन थे, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक जगह हमने लिया इथेनॉल। इथेनॉल कैसा होता है, C2H5 और यहाँ कार्बन है OH। अब ईथर का एक और मॉलिक्यूल अगर आ जाए, एक और कंपाउंड, तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ लोन पेयर होता है ना, और इस यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें भी इस तरीके का हो, तो माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इथेनॉल के केस में, ईथर के केस में वो नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है ईथर के केस में, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो इथेनॉल लिया है, अल्कोहल लिया है, उसके बीच में ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। जब भी ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा और उसी का प्योर वो सॉल्वेंट होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ओके। तो ईथर के केस में हम लोग समझ चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, अगर इथेनॉल के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ईथर में वीक है, तो वीक होने का मतलब क्या है, वीक होने का मतलब है कि यहाँ पे ईथर के केस में उसके मॉलिक्यूल उठ करके वेपर फेज में आसानी से आ सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसके मॉलिक्यूल आसानी से वेपर बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इथेनॉल। इथेनॉल का भी वेपर बनता है, लेकिन जितना ईथर का बनेगा उतना ज़्यादा इसका नहीं बनेगा, बस समझ में आए। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा और उसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा, ठीक है। तो ईथर का ज़्यादा है वेपर प्रेशर, इथेनॉल कम है। अब आप लोग आ जाइए थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, जो कि किसको अफेक्ट कर रहा है, वेपर प्रेशर को। तो तीसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो द लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर, मतलब जैसे आप वाटर ले लीजिए, मान लीजिए वाटर का आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और किसी और लिक्विड का है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मान लीजिए 80 डिग्री वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सेम वही जो सेकंड लाइन है, अगर इसको आपने समझ लिया तो थर्ड वाला पॉइंट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तभी होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको वेपर फेज में आने के लिए, और जब वेपर फेज में आने की ही टेंडेंसी कम होगी तो प्रेशर लगाएगा क्या वो, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए किसका, जिस भी लिक्विड का हमको वेपर प्रेशर ज़्यादा चाहिए उसके वेपर फॉर्म में, ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। ये ध्यान रखिए हमेशा, ये चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसमें कन्फ्यूज ना होइए आप लोग। वेपर प्रेशर क्या होता है, इस वेपर का लगाया हुआ प्रेशर कहाँ पे, इस वाल पे नहीं, इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, ओके, ये भी एक फैक्टर है। फैक्टर तो ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो मेन फैक्टर्स होते हैं, ओके। द प्योर लिक्विड हैज़ ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू इट्स सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है,
मान लीजिए हमने लिक्विड लिया, कोई भी वाटर ले लिया, लेट्स से वाटर ले लिया, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा है ना। लेकिन अगर इसी में हमने शुगर मिला दिया, शुगर के पार्टिकल मिला दिया, तो उसका शुगर का पार्टिकल मिलाने के बाद वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, ये कम हो जाएगा। अगर हमने कोई सल्यूट मिला दिया, मतलब इम्प्योर कर दिया, सॉल्वेंट प्योर H2O के फॉर्म में होगा, तब तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हमने सल्यूट पार्टिकल मिलाया, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो प्योरिटी ऑफ लिक्विड जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंडेंट है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला देते हैं तो उससे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। वही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। आज थोड़ा गला ख़राब है बच्चों। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक फैक्टर है, ठीक है ना। एक उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक है। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि प्योरिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कौन, वेपर प्रेशर। तो अगर क्या होगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें हमने कुछ सॉल्यूट मिला दिया, इन केस ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेज बिकॉज सम अदर पार्शियल सम अदर पार्टिकल ऑक्यूपाइज सरफेस एरिया। ओके, तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जब हम लिए तो प्योर हमने क्या लिया था, सारा का सारा सॉल्वेंट लिया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल भी सरफेस एरिया में आ गए। अब सरफेस एरिया में आ गए तो ये तो नॉन वोलेटाइल है, अब ये नॉन वोलेटाइल है तो ये उड़ना नहीं चाहेगा, तो अब एरिया कम हो गया। और हम जानते हैं कि वेपर जो तभी बनता है जब एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा वेपर बनेगी, अब एरिया कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, होप कि आप लोगों की इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि प्योरिटी ऑफ लिक्विड की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर इम्प्योर है, कोई भी लिक्विड हमने इम्प्योर कर दिया, उसमें सल्यूट मिला दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या है, रॉल्ट्स लॉ। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ और रॉल्ट्स लॉ में बहुत फ़र्क नहीं है, मैं थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। वैसे रॉल्ट्स लॉ को अगर अच्छे से डिफाइन किया जाए तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हमने पहले भी बताया कि ज़रूरत की चीज़ें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे कि हम लोग प्रूफ ज़्यादा करने बैठ गए और हम लोग का सिलेबस छूट गया पीछे। नहीं बच्चों, हम लोग को इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। फालतू के चीज़ों में हम लोगों को समय व्यतीत नहीं करना है। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है ये। फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंसेज द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर, किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस, मतलब कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया, तो द पार्शियल प्रेशर, जो कि पार्शियल प्रेशर होगा एग्जर्टेड, मतलब लगना, पार्शियल प्रेशर लगना, ठीक है ना, बाई वेपर और गैस, वेपर और गैस के द्वारा ही लगता है, ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन, या तो लिक्विड या तो सोल्यूशन पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उस सॉल्वेंट का होगा जो कि वेपर बन रहा है, उतना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर लगेगा। ओके, इन लिक्विड सोल्यूशन, फिर से एक बार समझ लीजिए। फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंसेज, किसी भी ऐसे सब्सटेंस जो कि वॉलेटाइल है नेचर में, जिसको हम लिक्विड फॉर्म में लिए हैं, जो कि वेपर बनाता हो, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर और गैस, जिसका पार्शियल प्रेशर लगता है किसी भी वेपर का या गैस का, ठीक है ना, ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड, कहाँ पर, लिक्विड पर लगता है, लिक्विड की सरफेस पर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, प्रेशर भी, मतलब जो सरफेस पे प्रेशर लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। ओके, इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में वी नो हेनरी लॉ, हम हेनरी लॉ के बारे में हम क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। यहाँ पे हमने बताया था कि ये प्रेशर है, यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता ही है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन वहाँ पे अलग चीज़ थी और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। डिफरेंस आप तो समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखिए ये सारी जो चीज़ बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्युबिलिटी था ये, लेकिन हम लोग इसको किससे रिलेट करके देख रहे थे, मोल फ्रैक्शन से। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, KH, ठीक है ना, यही हेनरी कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब रॉड्स लॉ में हम लोग केस नंबर वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हमने वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया और वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। अब दो तरह का हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, है ना, ऐसा है कि पानी भी वोलेटाइल है और उसमें हमने इथेनॉल डाल दिया या ईथर डाल दिया, वो भी सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में रहेगा, तो भले ही वो लिक्विड फॉर्म में क्यों ना हो लेकिन क्या रहेगा, वो सॉल्यूट ही रहेगा, है ना। लेस अमाउंट वाला सॉल्यूट होता है, मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट होता है, और दोनों को मिला करके क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ओके बच्चों, तो केस वन हमने क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। जो केस टू आएगा उस केस में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ही बेसिस पे हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेंगे। अभी ये समझिए कि केस क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है जिसका मतलब खुद भी अपना वेपर बनाता है सॉल्यूट भी, और वोलेटाइल सॉल्वेंट भी लिया है जिसका भी क्या बनता है, वेपर बनता है। तो दोनों का वेपर प्रेशर कुछ होगा, पार्शियल प्रेशर दोनों का होगा ना लिक्विड सरफेस पे, ठीक है ना, उसकी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, तो पहले सबसे हमने क्या ले लिया, कोई ए ले लिया, सॉल्यूट ए। सॉल्यूट ए कैसा है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, तो उसके लिक्विड को हमने अलग से एक कंटेनर में लिया, और एक सॉल्वेंट है बी। अभी देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं बनाया है, अलग कंटेनर में इसको रखा है, अलग कंटेनर में सॉल्वेंट को रखा है, यानी सॉल्यूट ए का कुछ ये वेपराइज है होगा, वेपर प्रेशर इसका लगेगा यहाँ पे। तो सॉल्यूट ए वोलेटाइल इन नेचर है तो वेपराइज हुआ। अब प्योर कंडीशन में सिर्फ ए ही है ना, यहाँ पे सॉल्यूट ही है, कोई सॉल्वेंट वॉल्वेंट कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, तो इसका जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पी ए। सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएगा उसको क्या नाम देंगे, पी ए। क्यों, पी नॉट ए, पी नॉट ए क्यों नहीं देंगे, ये नॉट का क्या मतलब है, जब हम लोग पी ए की बात करेंगे तो प्रेशर इन सॉल्यूशन देखेंगे, पी नॉट ए का मतलब क्या है, वो जब प्योर फॉर्म में था। ओके, तो प्योर फॉर्म में लगने वाले जो यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए, पी नॉट ए। ओके, प्योर फॉर्म में पी नॉट ए हम लोग बोलेंगे। ओके, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, लिक्विड है, और ओनली सॉल्यूट ए, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की मात्रा है, तो सॉल्यूट का ही वेपर बनेगा और उसी का प्रेशर लगेगा, तो जब प्योर है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, ठीक है ना, मतलब प्योर फॉर्म में ए का प्रेशर कितना होता है, इसको ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, दूसरे कंटेनर में क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का नाम हमने दे दिया है बी। ओके, यानी कि इस लिक्विड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ बी है, तो सॉल्वेंट बी का कुछ वेपर बनेगा, तो जो वेपर फेज में रहेंगे वो भी तो पी के ही, बी के ही पार्टिकल रहेंगे, बी के ही तो वेपर रहेंगे, यानी कि यहाँ पे बी पूरा प्योर फॉर्म में है और ये वेपर बनाया और इसका कुछ प्रेशर लगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पी बी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ बी ही प्रेजेंट है, उसका जो लगने वाला प्रेशर है। बात समझ में आया, बोथ किस कंडीशन में, दोनों याद रखिए, बोथ आर इन प्योर कंडीशन। बात समझ में आई, अब दोनों को हमने एक ही कंटेनर में डाल दिया। प्योर सॉल्यूट ए को प्योर सॉल्वेंट ए के साथ जब मिला देंगे और दोनों ही वोलेटाइल इन नेचर है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें कुछ मोल ए के रहेंगे, कुछ मोल बी के रहेंगे, तो ए सॉल्यूट है तो इसका मतलब इसका मोल कम होगा, बी सॉल्वेंट है तो मोल ज़्यादा होंगे, तो मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा और बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन इसमें आएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, वन, सारा टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, वन। जैसे जितने भी कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबके मोल्स का फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो वन आता है, ध्यान है ये बात को, हमने समझाया है पहले भी जब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। अगर यहाँ पे तीन ऐसे कंपोनेंट होते हैं, है ना, ए बी सी डी कुछ भी होता है, ये ए का मतलब क्या, कोई लिक्विड फॉर्म में है जो कि गैस बना सकता है, बी भी ऐसा ही है जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में जा सकता है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आप लोगों को आइडिया होगा। तो जब हम मिलाएंगे इन दोनों को तो अब लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्योर ए था सरफेस पे, यहाँ प्योर बी था, जब सॉल्यूशन बना तो सरफेस पे कुछ ए के भी पार्टिकल होंगे, कुछ बी के भी होंगे, कुछ ए फिर बी, कुछ ए फिर बी, लेकिन यहाँ पे हमने जो इस तरीके से लगा दिया कि क्या है, समझिए बी के पार्टिकल है, है ना, ये सब बी के हैं, और आप किसी को भी सल्यूट ले सकते हैं, जो कम मात्रा में होता है वो सल्यूट होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ज़्यादा ए की मात्रा है ऊपर,
तो सॉल्यूट कौन हो जाएगा बी और सॉल्वेंट कौन होगा ए। सरफेस पे अगर बी की मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा बी और सॉल्यूट कौन हो जाएगा ए। इतना आपको अच्छे से आता होगा। जब दोनों को हमने प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाया इस कंटेनर में, तो इसके अंदर अब क्या हुआ, सरफेस पे दोनों के पार्टिकल या मॉलिक्यूल आ गए। अब दोनों के मॉलिक्यूल आ गए तो ये भी वेपराइज हो सकता है, ये भी वेपराइज हो सकता है। तो अब सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो ए की वजह से भी लगेगा और बी की वजह से भी लगेगा, दोनों की वजह से प्रेशर लगेगा। ओके, चलिए, इन प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था कि इस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका ए का प्योर कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का प्योर कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन जब मिला देंगे तो इसमें यहाँ के मुकाबले बी का प्रेशर सॉल्यूशन में घट जाएगा और ए का भी जो प्योर कंडीशन में पी ए नॉट लग रहा था वो घट जाएगा। वो कितना हो जाएगा, पी ए नॉट का कुछ घट करके पी ए आ जाएगा और पी बी नॉट का जो पेपर प्रेशर था वो घट करके पी बी हो जाएगा। पी बी नॉट का पी बी हो गया, पी ए नॉट का पी ए हो गया, पी ए नॉट का पी ए हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं कि पी बी नॉट को लेस देन पी ए ले लिए, पी ए नॉट ले लिए, मतलब प्योर कंडीशन में जो पी ए नॉट का प्रेशर था वो ज़्यादा था जो कि पी बी नॉट का प्रेशर था। पी बी नॉट का प्रेशर कम था प्योर में और पी ए नॉट का ज़्यादा था। ओके, कितना ज़्यादा लिए हैं इसको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे किसका प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम बाई हम बात नहीं कर रहे हैं, किसका प्रेशर ज़्यादा था, ए का कि बी का, प्योर कंडीशन में तो ए का ज़्यादा था, ठीक है ना। ए कौन है, ये है। ओके, बी कौन है, ये है। तो किसका प्रेशर प्योर कंडीशन में ज़्यादा था, पी ए का, मतलब ए का कितना था, पी ए नॉट। बी का प्रेशर कितना था, पी बी नॉट, जो कि कम था। बार बार इतने ध्यान से समझाने का मेरा कुछ रीज़न है बच्चों, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, तो हम क्या बोले हैं, इन प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन सॉल्यूशन, मतलब इसका यही है कि प्योर कंडीशन में बी का जो प्रेशर था पी बी नॉट ये ज़्यादा होगा, जब उसको हमने सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पे जो प्रेशर लगने वाला है पी बी वो कम होगा इसके मुकाबले पी बी नॉट से। और पी ए का प्रेशर, पी ए नॉट का प्रेशर प्योर कंडीशन में ज़्यादा था, जब सॉल्यूशन में गया है तो उसी पार्टिकल का प्रेशर जो है वेपर फेज में जो बना है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्योर कंडीशन में पी ए नॉट बोलना है, इसमें पी ए बोलेंगे, और यहाँ पे प्योर कंडीशन में पी बी नॉट बोलना है, इसमें क्या बोलेंगे, पी बी। गॉट इट? इसमें दोनों के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, कुछ मोल ए के होंगे, कुछ मोल बी के होंगे, तो उसका हमने लेट कर लिया कि कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, चलिए, वी नो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब जिसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन इसमें प्रेजेंट होगा उसके सरफेस पे मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब उसका वेपर भी ज़्यादा बनेगा और उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बस समझ में? वी नो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओके, वही तो हमारा हेनरी लॉ था, वो क्या कहता था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे और के एच लगाते थे, ठीक है। वहाँ प्योर सॉल्वेंट की बात चल रही थी, वो जो हेनरी लॉ था वो किसकी बात कर रहा था, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा था, लेकिन रॉड्स लॉ क्या है, वो सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर की बात करेगा, ठीक है ना। हेनरी लॉ इसके बारे में बता रहा था और जो रॉड्स लॉ है वो इसके बारे में बता रहा है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिए, फिर से बैक करिए और मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर आगे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, आप जीरो हैं। ओके, आप तब तक आगे ना बढ़िए जब तक ये मेरी पूरी बातें आप लोगों को गहन ना हो जाए अच्छे से। ओके, तो वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब इसी को हमने सॉल्यूशन में डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर इसी का इस कंडीशन में घट जाएगा। ओके, सॉल्यूशन में हमेशा कम होता है और प्योर केस में कैसा होता है, ज़्यादा होता है। पी ए क्या है, पी ए नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर प्योर कंडीशन। हम सारे टर्म बता चुके हैं, वैसे एक बार और बता दे रहे हैं, पी ए नॉट क्या है, इस कंडीशन में प्योर कंडीशन में सिर्फ ए ही ए था, बी था ही नहीं, उस कंडीशन में जो ए का प्रेशर लगेगा उसको हम लोग पी ए नॉट बोल रहे हैं। पी बी नॉट, इस कंडीशन में प्योर बी है, ए है ही नहीं, उस कंडीशन में जो इसका प्रेशर लगेगा उसको पी बी नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। अब पी ए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ए का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो सॉल्यूशन में। ओके,
और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर का यूज नहीं कर रहे हैं तो ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई जो ए का प्रेशर वही तो टोटल प्रेशर है, यहाँ बी प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी ही प्रेजेंट है। तो दो, जब दो गैस होंगी तब तो हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों तरह की गैस मिल रही है। देखिए वेपर फेज में पी ए भी है और पी वी नॉट भी है। ये आपका पी ए हो गया, ये आपका क्या हो गया जो ऐसे दिखाया, वो पी वी हो गया, है ना, मतलब बी हो गया। ये ए का पार्टिकल है वेपर है, और ये बी का मतलब पार्टिकल है वेपर है। तो ए का कुछ प्रेशर लगेगा, बी का कुछ प्रेशर लगेगा। तो दोनों का जब दो या दो से ज़्यादा गैसेज हो जाती हैं कहीं पे, तब वो प्रेशर लगाती हैं, तो उसका इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो ये सारी चारों आपको टर्म अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि पी ए नॉट क्या है, पी बी नॉट क्या है, पी ए क्या है, पी वी क्या है। ये चारों अगर समझ में आता है तो आप लोग राउट्स लॉ अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए, लेट इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए। हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, एक्स ए, ये कोई वैल्यू होगी, हमने इसको मान लिया एक्स ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है किसी सॉल्यूशन में, मान लिया ऐसे हमने सॉल्यूशन तैयार किया, तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स ए, और बी का कितना मोल फ्रैक्शन है, एक्स बी। ओके, तो हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है, ये तो हम हेनरी लॉ से भी समझते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, तो पी ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए के, है ना, जितना ज़्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन ए के होंगे उतना ज़्यादा ए का पार्शियल प्रेशर होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका मतलब बी का अगर किसी सॉल्यूशन में पार्शियल मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ए, और मोल फ्रैक्शन बी पे डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू, है ना, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ओके, ये पी ए नॉट क्या है, पी ए किसके बराबर है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, ये होता है, ये हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़े हैं 11th में। अब यहाँ पे उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, बस ये समझ लीजिए कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये क्यों आ गया, जब यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लगाया है, हटाया है साइन, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस इतना याद कर लीजिए, इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, मतलब प्योर कंडीशन में जो ए का प्रेशर था इंटू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, है ना, ये मोल फ्रैक्शन ए में नहीं, जैसे यहाँ पे पी ए नॉट क्या है, इस कंडीशन में लगने वाला प्रेशर ए का इंटू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर है, जो ओरिजिनल जब हमने लिक्विड सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में लिया था ए को, तब लग रहा था जो प्रेशर, इंटू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ध्यान से रिलेट करिए इसको। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। पी बी नॉट एक्स बी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना लगेगा, वही है पी बी। ये पी बी क्या है, सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लग रहा है बी का, वो किसके बराबर होगा, पी बी नॉट, यहाँ दिख रहा है पी बी नॉट क्या है, जो कि जब प्योर बी लिए थे तो कितना उसका प्रेशर था, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किस में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कितना लिक्विड के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। अब बच्चों इससे आसानी से कोई आपको नहीं समझा सकता, अगर इतने पे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बैक करिए और तुरंत देखिए, मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो। मैंने अपनी तरफ से 100% आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मत समझिए बच्चों कि मैंने नहीं समझाया है, आप ये ज़रूर सोचिए कि आपने 11th में
सारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, गैसेस स्टेट अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उससे एक नॉर्मल बच्चा जो थोड़ा भी पढ़ा होगा इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उस चीज़ को याद कर लीजिए कि पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए था, तो पी ए को हम और क्या लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। और पी बी जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये दो चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ओके। तो पी टोटल किसके बराबर होगा, यानी कि सोल्यूशन में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो पी टोटल किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ओके, ठीक है ना। अब ए क्या था, कम मात्रा में लिए थे, बी क्या है, ज़्यादा मात्रा में लिए है, ओके। तभी इस कंडीशन में होगा कि मात्रा से नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या हमने लिया था, लेट पी बी नॉट इज लेस देन पी ए नॉट, यानी पी ए नॉट का क्या है, प्योर कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा है, और पी बी नॉट का जो है प्योर कंडीशन में बी का जो प्रेशर है वो कम है ए से। कौन ज़्यादा लिए हैं इससे मतलब नहीं है, किसका प्रेशर ज़्यादा है इससे मतलब है, ओके। तो पी ए का जो सल्यूट था उसका हमने क्या लिया था, इस कंडीशन में जो प्रेशर है प्योर कंडीशन में वो ज़्यादा है पी बी नॉट से। यहाँ पे अमाउंट अगर ज़्यादा लेते हैं जो, तो वो हमारा सॉल्वेंट बन जाता है, यानी कि सॉल्वेंट हमने पी बी को ज़्यादा, बी को ज़्यादा लिया है, लेकिन प्रेशर, पेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन किसका ज़्यादा है, ए का। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंट है ये अच्छे समझ लीजिए, प्रेशर ए का ज़्यादा है लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाए हैं तो ए को कम लिए हैं। बात समझ में आई, इसलिए ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। बात समझ में आई, अच्छा। पी टोटल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं पी टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर बी के बराबर होगा सम के। टोटल तभी तो प्रेशर आएगा जब सारे ऑल द पार्शियल प्रेशर्स जब हम सम कर देते हैं तो पी टोटल आ जाता है किसी भी सिस्टम में, ओके। तो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए। अभी हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या था, प्योर कंडीशन में ए का प्रेशर, एक्स ए क्या है, सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं ए के, प्लस पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी। पी बी नॉट एक्स क्या है, पी बी नॉट जो है प्योर कंडीशन में बी का प्रेशर इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या है, सोल्यूशन में कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है बी के, तो पी ए की जगह ये लिख सकते हैं, पी बी की जगह ये लिख सकते हैं। अब पी टोटल को इसको रीअरेंज कर देंगे, जब हम कॉमन निकाल लेंगे हर चीज़ तो कुछ इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए। इतना करा के काफ़ी लोग छोड़ देते हैं और बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ये सर ऐसा आया क्यों, तो उसका रीज़न बच्चों जान लीजिए। हम क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, है ना, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स ए। ये चीज़ ध्यान में समझ में आई। चलिए अब हम जानते हैं कि ओनली रीअरेंजमेंट हुआ है इसका, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। कैसे हुआ है कि हमने क्या किया है, एक्स बी को चेंज कर दिया, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले लाइन के बाद सेकंड स्टेप में देखिए सब चीज़ सेम लिखा है, पी बी तक सेम लिखा है, एक्स बी की जगह वन माइनस एक्स ए लिख दिया, ओके। अब वन माइनस एक्स ए को रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी बी नॉट पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब ये भी नहीं समझ में आता कई बच्चों को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रीअरेंजमेंट लिख दिया है थोड़ा सा। देखिए क्या हमने लिखा है, पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ये कहाँ से आया था, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पी बी नॉट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पी बी नॉट आ गया। फिर से समझिए, पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, इससे मल्टीप्लाई होगा वन से तो पी बी नॉट बचेगा, माइनस अगर एक्स ए से मल्टीप्लाई हो गया पी बी नॉट तो पी बी नॉट एक्स ए हो जाएगा। बात समझ में आई, ये स्टेप कैसे आया, है ना। चलिए फिर पी टोटल कितना हो सकता है, जब हम इसमें से क्या करें कि पी बी नॉट को तो इस साइड लेते हैं, देखिए इधर लेते आए हैं, ठीक है, प्लस अब राइट साइड में क्या बचेगा, पी ए नॉट एक्स ए और माइनस पी बी नॉट एक्स ए बचेगा, यानी एक्स ए दोनों में है तो एक्स ए कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। पी बी नॉट को तो अलग ले लिया और पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स बी एक्स ए, ये दोनों एक्स ए है, यहाँ भी एक्स ए है। अभी हमने देखा है कि एक्स बी को वन माइनस एक्स ए के टर्म में चेंज किया है, तो यहाँ पे क्या बचा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, यहाँ पे है ना। अब पी बी नॉट को इसको ये प्लस का साइन है इसके साथ इधर ला दिया, बचा क्या, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए।
तो एक्स ए दोनों में है, इन दोनों में तो एक्स ए कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा पी ए नॉट अंदर बच जाएगा माइनस, इधर क्या बच जाएगा पी बी नॉट, उस चीज़ को हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अच्छे से समझ में आ रहा बात? अगर इतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिवाइज करिए, बैक करिए वीडियो को और देखिए। रिमेंबर दिस फार्मूला कम्स वेन वी टेक पी बी नॉट इज लेस देन पी ए नॉट। इसका मतलब क्या है, यह फार्मूला तब आता है जब हम लोग क्या लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन, मतलब प्रेशर ऑफ बी इन प्योर कंडीशन में था वो कम था, प्रेशर ऑफ ए जब प्योर कंडीशन में ज़्यादा था। ओके यानी कि यहाँ वाला केस, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा था, ये सॉल्यूट भले ही है लेकिन इसका प्रेशर ज़्यादा था और इसका प्रेशर कम था। ये कुछ ऐसा लिक्विड लिए हैं जिसमें वेपर बहुत ज़्यादा तेजी से बन रहा है, बहुत ज़्यादा बनता है, इसमें क्या है वेपर थोड़ा कम बनता है इसके अपेक्षा में, बनता इसका भी है लेकिन इसके एक मुकाबले इसका वेपर कम बनता है। तो हमने क्या लेट किया था, ये फार्मूला कब आया, जब हम लोग पी ए नॉट को पी बी नॉट से ज़्यादा लिए हैं, मतलब प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी इन प्योर कंडीशन, तब ये फार्मूला आया। जब हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि पी बी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट, तो हमारा केस टू आएगा और उसको हम लोग कल समझेंगे। ओके नेक्स्ट लेक्चर में, और अब तो टाइम हो गया काफ़ी, नहीं तो आज ही समझा देते हैं। अब तो आपको दो बामुश्किल 5 मिनट लगेगा इसको समझने में, क्योंकि एक एक टर्म हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी है। तो कल हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग धीरे धीरे मूव कर जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हुए, और काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, फिर वन टाफ फैक्टर वगैरह भी पढ़ना है, फिर इस चैप्टर को हम लोग पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन देख करके, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पढ़ करके, वन टाफ फैक्टर पढ़ करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बस उसके बाद आप लोगों का बचेगा क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आप लोगों को एकदम बर्डन नहीं आएगा। आप लोग बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए, आप लोगों को कोई भी समस्या 12th में नहीं आने दूंगा, भले ही लॉकडाउन चल रहा है या कुछ भी है, बस आप लोग डिटरमाइंड हो जाइए अपने ऊपर कि हम लोग को अच्छे से अच्छा करना है। ओके और आप लोग अगर अच्छा करेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हों, नहीं एवरेज हों तो भी चलेगा बच्चों। क्या डिपेंड करता है, कितना कॉन्स्टेंटली आपने पढ़ाई की है, कितना रेगुलर आप रहे हैं, जितना रेगुलर आप रहेंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छा करेंगे। बहुत तेज़ माइंड है और आप कम पढ़ते हैं, कम रेगुलर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप कैसे भी हों, किसी का दिमाग तेज़ है, किसी का थोड़ा सा साफ नहीं है, हाँ दिमाग किसका तेज होता है बेटा, जो शुरू से पढ़ता आया होगा, जो शुरू से पिछली चीज़ें पढ़ा होगा उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, और जो बच्चा पिछला नहीं पढ़ा है उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब आप रेगुलर रहेंगे लेक्चर में, अटेंड करेंगे, तो सारी चीज़ों से आप भी फैमिलियर हो जाएंगे जिस तरीके से वो फैमिलियर, ठीक है ना। आपका प्रेजेंट हमेशा पास्ट पर डिपेंड करता है, पढ़ाई में ये चलता है, आपने पास्ट में जो मेहनत की है वो आपको प्रेजेंट में उसका फ़ायदा हर हाल में मिलना है। तो जो बच्चे तेज हैं और रेगुलर भी हैं उनका तो कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि वो पहले से भी पढ़ते आए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं स्टिल। जो एवरेज हैं और रेगुलर हैं उनको अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मैं किसी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है बच्चों। अगर आपने पुराना पहले की क्लासेज में अच्छे से पढ़े हैं, 11th अगर अच्छे से पढ़े हैं आप, तो आपको 12th में हर हाल में फ़ायदा होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप किसी भी टीचर से अच्छे टीचर से आप पूछ लीजिए, तो आपको वो ज़रूर बताएगा कि 11th में जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, जिसने अच्छे से 11th में मेहनत की है उसका 12th में अच्छा रिजल्ट आना ही रहता है, अगर वो रेगुलर पढ़ता है। तो पढ़ाई करते रहिए और आप लोग अच्छे नंबर लाइए, बस यही मेरी कामना है। मत स्प्रेड करिए, मुझे मत हाईलाइट करिए, मुझे कोई लाइक कमेंट्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा। मुझे पैसों की भी उतनी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है नीड कि मैं पैसों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, हमारे देश में नाम रोशन करिए। बस आप लोग कहीं उठ करके बस सर का नाम ले लेंगे और मुझे कहीं लग गया, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपका अप्रिसिएशन, हम मेरा एक पैशन रहा है पढ़ाने का, आप लोग का अप्रिसिएशन ही बहुत है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस तरीके का कि आप लोग शेयर करिए वीडियो मेरा, लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं बच्चों कुछ नहीं। आप पढ़ाई करिए, सफल हो जाइए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।